श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु
परम भक्त अंजनी लाला केसरी नंदन श्री हनुमान जी की कृपा जिस पर भी हो जाती है वो भक्त जीवन के सकल सुख भोग कर
अंत में प्रभु राम के चरणों को प्राप्त करता है। जो भक्त श्री हनुमान जी के पावन मंगलवार के व्रत को करता है, उन्हें सिंदूर और तेल अर्पण करता है, लाल पुष्पों से उनका श्रृंगार करता है, सायंकाल में आरती चालीसा करने के पश्चात गेहूं और गुड़ का बना मीठा प्रसाद ग्रहण करता है, वो प्राणी जीवन में सदैव श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करता है। तो आइए हम भी सुनते हैं श्री हनुमान जी के पावन मंगलवार की संगीतमय व्रत कथा। एक बार फिर बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। मंगलवार व्रत कथा पावन, भक्ति में रम जाता तन मन, ले जो नाम जी कृपा करेंगे हनुमान जी। एक समय की बात है भक्तों, ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। पूजा पाठ क्रिया कर्म इत्यादि कराने से जो धन उसे मिलता, उससे उसके परिवार का गुजर बसर हो ही जाता था। जीवन में सब सुख ही सुख था, बस एक ही दुख उन दोनों को खाए जाता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के परम भक्त थे। हर मंगलवार को श्री हनुमान जी का व्रत करते, उन्हें तेल व सिंदूर प्रदान करते, लाल पुष्पों की माला उनके चरणों में अर्पित करते, सायंकाल आरती चालीसा के पश्चात एक समय ही गुड़ और गेहूं का मीठा बना प्रसाद ग्रहण करते और बार बार हनुमान जी से केवल एक ही प्रार्थना करते। सब कुछ हनुमत तुमने दिया है, हर कारज को पूर्ण किया है। राम के कारज रक्षक तुम रखवाले। बाबा क्यों है झोली खाली, आए दर पे बन के सवाली, हे हनुमान जी दो संतान का दान जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। धीरे धीरे आठ मंगलवार व्यतीत हो गए भक्तों, परंतु दोनों की झोली आज भी संतान सुख से खाली थी। एक दिवस केशव दत्त के मन में विचार आया कि क्यों ना वनों में जाकर प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जप तप करूं, शायद इसी बात से प्रसन्न होकर वो उन्हें संतान का वरदान दे दे। यही सोचकर केशव दत्त वनों को चला गया। इधर उसकी पत्नी अंजलि पहले की तरह ही नित्य नेम से मंगलवार का व्रत करती, परंतु एक मंगलवार
उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था भक्तों, मन भी पति वियोग में व्याकुल था। उसने व्रत तो किया परंतु सायंकाल गुड़ और गेहूं का भोग लगाना भूल गई। अगले दिवस जब उसे अपनी भूल का ज्ञात हुआ तो उसने प्रायश्चित करने की ठानी। भक्तों, उसने मन में विचार किया कि अगले मंगलवार तक पूरे एक सप्ताह वो भूखी प्यासी रहेगी और अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न व जल ग्रहण करेगी। भूखी प्यासी मैं तो रहूंगी, पाप का प्राचित मैं तो करूंगी। अगले मंगल भोग लगा के मुख में दाना अन्न का रखूंगी। ना खाया अन्न का दाना अंजलि ने मन में था ठाना। ये विश्वास जी दे दो क्षमा का मुझे दान जी, दे दो क्षमा का मुझे दान जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। एक सप्ताह तक निर्जला व्रत उपवास करने से अंजलि का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। भक्तों, देखते देखते अगला मंगलवार भी आ गया। व्रत तो उसने एक सप्ताह से रखा ही हुआ था। सायंकाल को आरती चालीसा पढ़ने के पश्चात गुड़ और गेहूं के बने प्रसाद का भोग लगाया ही था कि वो मूर्छित होकर भूमि पे गिर गई। इधर हनुमान जी उसकी इस अविरल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और मूर्छा काल में ही उसे दर्शन देकर पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर के बाद जब अंजलि की मूर्छा समाप्त हुई तो उसने प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु नाम जपने लगी। जीवन में खुशियाँ की छाई श्री हनुमत की कृपा पाई। सुख यश वैभव सब कुछ पाया गोद में नन्हा बालक आया। के नाम को गाए हनुमत को निश दिन वो ध्याए। लेती नाम जी जय जय तिहारी हनुमान जी, जय जय तिहारी हनुमान जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। कुछ समय पश्चात केशव दत्त जब वनों से वापस आया तो क्या देखता है कि घर के आंगन में एक नन्हा बालक खेल रहा है। घर में सुख संपत्ति यश वैभव सब कुछ आ गया है। कौतूहलवश अपनी स्त्री अंजलि से पूछता है कि ये सब भला कैसे हो गया, यह बालक कौन है। तो अंजलि उसे सारी कथा बताती है कि किस तरह से श्री हनुमान जी ने हम पर अपनी कृपा बरसाई, हमें सुख संपत्ति धन धान यश वैभव सब कुछ दे दिया
और मेरी झोली में ये नन्हा बालक भी डाल दिया। परंतु हाय री मानुष बुद्धि, जब मनुष्य को संशय का कीड़ा काट लेता है ना भक्तों, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। केशव दत्त के मन में अचानक ये विचार घर कर गया कि अंजलि हो ना हो चरित्रहीन है और ये बालक उसके दुराचार का परिणाम है। यह कहकर वो बहुत क्रोध से अंजलि से बोला कि वो अब उसके साथ कदापि नहीं रहेगा। अगले दिवस वो और उसके पाप की निशानी इस बालक को उसके पीहर छोड़ देगा। अंजलि ने लाख समझाया परंतु केशव न माना। हार कर अंजलि हनुमान जी के चरणों में गिर गई और रो रो कर प्रार्थना करने लगी। इस पर हनुमान जी ने क्या लीला दिखाई, आइए सुनते हैं। हनुमत जी फिर लीला दिखाए, केशव के सपनों में आए। सारा सच केशव को बताया, स्वप्न में सारा भेद बताया। केशव को सब समझ में आया, ये सब हनुमान की माया। हुआ विश्वास जी, हनुमत ने पूरी की है आस जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो। हो कल्याण जी, कृपा करेंगे हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन पाकर केशव धन्य हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास भी हो गया। सुबह नहा धोकर उसने हनुमान जी की ज्योत आरती करी और अंजलि से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा याचना भी करी। बड़े प्रेम से अपने बालक को गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार किया। तब से ही भक्तों वो सारा परिवार नित्य प्रति मंगलवार का पावन व्रत रखता, श्री हनुमान जी को तेल सिंदूर अर्पित करता, लाल पुष्पों से उनका और हनुमत दरबार का श्रृंगार करता। सायंकाल को आरती चालीसा के पश्चात गुड़ और गेहूं का बना मीठा भोजन प्रसाद ग्रहण करता और श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करता। तो देखा आपने भक्तों, जिस प्रकार केशव दत्त और उसकी पत्नी अंजलि ने पावन मंगलवार के व्रत रखकर जीवन के समस्त सुख भोगे, उसी तरह इस घनघोर कलयुग में भी प्राणी जब पावन मंगलवार के व्रत रखता है तो वो श्री हनुमान जी की और प्रभु राम की कृपा प्राप्त करता है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। राम के नाम की जप लो माला, पार करेंगे हनुमत बाला। भव से नैया तर जाएगी, खाली झोली भर जाएगी। इन्हें लगाओ भक्ति चंदन, कर लो चरणों में तुम वंदन। हो भव पार जी, कृपा करेंगे हनुमान जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो। हो कल्याण जी, कृपा करेंगे हनुमान जी। हनुमान
केसरी नंदन पवन सुत महाबली हनुमान काज सवारे भक्त के सदा करे कल्याण। सूर्य देव के शीश है शंकर के अवतार अष्ट सिद्धि नव निधियों के है ये तो भंडार। महाबली हनुमान है ज्ञान और गुण खान महाबली हनुमान है भक्तों चतुर सुजान। संकट मोचन भक्त के काटे कोटि कलेश भक्ति है इनकी बड़ी पावन और विशेष। राम नाम जपते सदा ये नित आठों याम राम काज में एक क्षण भी करते ना विश्राम। रोम रोम इनके बसे सीतापति श्री राम धीर वीर गंभीर सभी सुखों के धाम। कांधे मूझ जनेऊ है सदा वज्र है हार मंगल मूरति के सदा सत्य धर्म है सार। इनके ज्ञान प्रकाश से तीहु लोक उजियार दाता ये बल बुद्धि के विद्या के भंडार। निगल गए थे सूर्य को बचपन में हनुमान देवों ने की प्रार्थना छोड़ दिया रवि प्राण। तन पर लाल सिंदूर है लाल तिलक है भान काले भूरे नेत्र है डरता इनसे कान। घोर गर्जना से सदा पर्वत जाते का छाया तीनों लोक में इनका परम प्रताप। अर्थ धर्म फल काम वा मोक्ष के है ये ईश इनके चरणों में सदा भक्त झुकाए शीश। जाकर सुग्रीव को राम से मिलवाए कारज उनके बन गए तब अति हर्षाए। अतुलित बल के धाम ये शक्ति बड़ी अपार एक छलांग में कर गए ये सागर को पार। निशाचरों के बीच में होकर के निर्भय घूम रहे हनुमान जी करते राम की जय। रघुनंदन के काज को रहते हैं आतुर
करते इनकी वंदना देवलोक के सुर। के सन्मुख गए महाबली हनुमान, माता ने इनको दिया अजर अमर वरदान। सीता सुध ले कर गए जब राघव के पास, रघुनंदन बोले कपि तुम हो मेरे स्वास। हनुमान बोले प्रभु दीजे भक्ति दान, अवध बिहारी ने कहा तथास्तु हे बलवान। लखन लाल को जब लगी रण में शक्ति बाण, ला कर के संजीवनी कपि बचाए प्राण। कारज को सदा करते ये आसान, रामचंद्र कहते इन्हें भाई भरत समान। मारुति सुत हनुमान का जो करता है ध्यान, लोक और परलोक में होता है कल्याण। जो जपता है राम के नाम को बारंबार, होती है उस पर सदा खुशियों की बौछार। पाप ताप संताप का हो जाता है नाश, जिसके मन मंदिर बसे रामचंद्र के दास। प्रेत आते नहीं उन भक्तों के पास, जिनका है हनुमान के चरणों में विश्वास। रोग दोष दुख भागते मिट जाता अज्ञान, जो जपता है भाव से जय 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 हनुमान। जहाँ पे अमृतमय कथा की बहती रसधार, महावीर बन कर वहाँ रहते पहरेदार। भक्तों में अति श्रेष्ठ है तेज पुंज कपिवर, इनकी पावन भक्ति है जैसे गंगा नी। का हुआ मंगल को अवतार, जो मंगल का
व्रत करे हो जाए भव पान। सभी समस्या का करते समाधान हनुमान, इसीलिए कहते इन्हें भक्तों दया निधान। हम मूरख अज्ञान में क्षमा कीजिए भूल, हम तो बस चाहे सदा पद पंकज की धूल। डियस पाल सानंद तो गाता राम भजन, महाबली इस भक्त को दे दो चरण शरण। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमंत संत हितकारी। सुन ली जय प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न की जय, आतुर दारी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु मही पारा, सुर सा बदन बैठे विस्तारा, आगे जाए लंक नीरो का, मारे हुलात गई सुर लो। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना, बाग उजारे सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा, लाह समान लंक जर गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ। अब विलंब कहि कारण स्वामी, कृपा करहुँ अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर है दुख करहुँ निपाता। जय हनुमत जयति बल सागर, सूर समूह समरत भट नागर, ओम हनु 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 हनुमत हठीले, बैरहि मारु वज्र के कीले। हनुमंत कपीसा, ओम हूं हनु अरे उर सीसा, जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल पालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निसाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर जाद नाम की, सत्य हो हूँ हर शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु थाई के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा, पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिर गृह माहि, तुम्हरे बल हौ दरपत नाहि, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होए तुसह दुख नासा,
चरण पकड़ कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। उठ चलो तो ही राम दुहाई, पाय परो कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। हं हं हाक देत कपि चंचल, ओम सं सं सहमि पराने खल खल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हो यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासो भूत प्रेत सब कापे। धूप दीप जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। और प्रतीत दृढ़ शरण है, पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे सब, काम सफल हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। बरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन। लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सो
सुनत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तिहारे, अपरंपार है शक्ति तिहारे, तुम पर रीझे अवध बिहारे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, कर भव सागर पार पवन सुत विनती बारंबार। जपहु निरंतर नाम तिहारा, जपहु निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़े तेरा द्वारा, सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो
होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। तन में तुम्हारे शक्ति विराजे, मन भक्ति से भीना, जो जन तुम्हारी शरण में आए, जो जन तुम्हारी शरण में आए, दुख दर्द हर लीना हनुमत, दुख दर्द हर लीना। महावीर प्रभु हम दुखियन के, तुम हो गरीब निवाज हनुमत, तुम हो गरीब निवाज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। राम लखन वै देहि तुम पर, सदा रहे हर्षाए, हृदय चीर के राम सिया का, हृदय चीर के राम सिया का, दर्शन दिया कराए हनुमत, दर्शन दिया कराए। दो कर जोड़ अरज हनुमंता, कहियो प्रभु से आज हनुमत, कहियो प्रभु से आज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। पति राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। Thank you.
हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान।